हम जब भी पूजा करते हैं तो पूजा में सबसे अहम चीज़ होती है कपूर। कपूर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कपूर का पूजा में खास महत्व होता है और हर कोई इसे जलाकर आरती करता है। आपने कपूर की धार्मिक मान्यताओं और उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर में ये कपूर बनता कैसे है? इसे सूंघने पर अलग सी खुशबू आती है और इसे सेहत के हिसाब से काफ़ी फायदेमंद भी माना जाता है। ऐसे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर कपूर बनता कैसे है और क्या कपूर बनाने के लिए किसी पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। कपूर को पेड़ से ही बनाया जाता है और असली कपूर पेड़ से ही बनता है। हालांकि कपूर की डिमांड ज़्यादा होने के कारण यह फैक्ट्रियां या लेब में तैयार किया जाता है। अगर इसके ओरिजिनल तरीके की बात करें तो यह कंपोट ट्री से बनाया जाता है, जिसे कपूर का पेड़ कहा जाता है। इसके छाल या पत्तियों के जरिए कपूर बनाया जाता है। मार्केट में कई तरह के कपूर बनाए जाते हैं और हर कपूर अलग अलग पेड़ से बनाए जाने की वजह से डिफरेंट होता है। कपूर के पेड़ के नाम की बात करें तो इसका बायोलॉजिकल नाम सिनामोम कैम्फोरा है, जो ज़्यादातर चीन, ताइवान, कोरिया आदि देशों में पाया जाता है। भारत की बात करें तो यह देहरादून, मैसूर, सहारनपुर में होता है। कपूर बनाने के लिए सबसे पहले इन पेड़ों के तनों टहनियों की कटाई की जाती है। फिर इन्हें धूप में कई महीनों और हफ्तों तक सुखाया जाता है। सूखने के बाद इन टहनियों और तनों से जब पूरी तरह नमीपन खत्म हो जाती है, तब उनके ऊपर लगे छाल को मशीन के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। फिर इन टुकड़ों को बड़े से बर्तन में डालकर पानी के साथ आग के द्वारा अच्छे से गर्म किया जाता है और उस बर्तन को अच्छे से ढक दिया जाता है ताकि उस बर्तन की भाप या खुशबू बाहर ना निकले। जिस बर्तन में कपूर की छाल को पकाया जाता है, उस बर्तन में एक पाइप लगा होता है। जब छाल को उबाला जाता है तो उस पाइप से धुआं अलग जगह इकट्ठा होता चला जाता है और वह ठंडा होने पर धीरे धीरे ऊपरी सतह पर कपूर जमने लगता है और निचले सतह पर कपूर का तेल जमा होता चला जाता है। फिर इन्हें ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इसे छन्नी के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जिससे कि कपूर और कपूर का तेल अलग हो जाए। अलग होने के बाद इसे कुछ दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया जाता है ताकि कपूर का नमीपन पूरी तरह खत्म हो जाए। फिर इन कपूर पाउडर को मशीन में डालकर अच्छी तरह पीसकर बारीक कर दिया जाता है। फिर इन पाउडर को कपूर की टिक्की बनाने के लिए मशीन के अंदर डाला जाता है और यह मशीन ऑटोमेटिक कपूर पाउडर से कपूर के छोटे छोटे टुकड़े या टिक्की बनाती चली जाती है। फिर इन कपूर की टिक्की को पैक कर मार्केट में बेच दिया जाता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें।